विधानसभा चुनाव इस बार रोचक होने जा रहा है। कल मतगणना होने जा रही है, लेकिन जिस तरह एग्जिट पोल के आंकड़े निकले हैं उसके बाद दोनों ही प्रमुख पार्टियों में खलबली सी मच गई है। हालांकि सट्टा बाजार अपना अलग आंकलन बता रहा है, लेकिन बागियों की अगर बात करें, वसुंधरा राजे के समर्थक 11 बागी मैदान में उतरे हुए हैं जो अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी यानी यूं कहें कि उनके समर्थक 7 जो है बागी पुरजोर तरीके से मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने अपना दमखम भी दिखाया है। अगर बात करें सचिन पायलट गुट के उनके करीबी 5 नेता मैदान में रहे। अगर बात करें वसुंधरा राजे के कौन से 11 बागी हैं जो कि अपना दमखम दिखाने में लगे हैं, पिलानी सीट से कैलाश मेघवाल, इसके साथ साथ ही डीडवाने से यूनिस खान पुरजोर तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल भी अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। इसके साथ साथ ही शाहपुरा से भीलवाड़ा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल तो हैं, बाड़मेर से पूर्व मंत्री गंगा राम की पोत्री प्रियंका चौधरी मैदान में उतरी हुई है। इसके साथ साथ ही खंडेला से पूर्व मंत्री बंसीधर बाजिया मैदान में अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। अनूपगढ़ से पूर्व विधायक शिमला बावरिया, सवाई माधोपुर से पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रही आशा मीणा अपना दमखम दिखाने में लगी है। जब अगर खंडित जनादेश होगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी का केंद्र नेतृत्व वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी देगा इन बागियों को मनाने की। अगर इन बागियों में से कुछ हद तक जो है सफल होते हैं अपना जीत निकालने में तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी दी जाएगी। अब अशोक गहलोत के करीबियों की अगर बात करें, 7 बागी मैदान में है। अगर यहाँ पर भी अगर जोड़ तोड़ की राजनीति होगी तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की ओर से अपनी जादूगरी पेश की जाएगी। इनमें अगर बात करें पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, इसके साथ साथ ही अशोक बेनीवाल, पूर्व विधायक रामचंद्र, धौर से विधायक परसाराम मोरदिया के पुत्र महेश मोरदिया, इसके साथ साथ ही नागौर से हबीबुर रहमान और पुष्कर से गोपाल बोहती का नाम शामिल है। ये लगातार अपना दमखम जो है इस बार विधानसभा चुनाव में दिखा चुके हैं। कल मतगणना होगी, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। अगर बात करें सचिन पायलट गुट के, देखिए सचिन पायलट गुट के कई ऐसे उनके समर्थक थे जो लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। माना यह जा रहा था जब टिकट का वितरण होगा तो सचिन पायलट इन जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे नेता इनको टिकट दिला पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक बागी मैदान में उतर गए। ये 5 बागी जो कि सचिन पायलट के समर्थक थे ये अपना दमखम दिखा चुके हैं। इनमें पूर्व विधायक जो विधायक है खिलाड़ी लाल बेरवा के से चुनाव ने ताल ठोक दी है और लगातार खिलाड़ी लाल बेरवा अपना दमखम भी दिखा रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ही जो है केशवराव पाटन से राकेश बोयता जो है वो अपना दमखम दिखा चुके हैं। मोहर थाना से पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश मीणा, श्री गंगानगर से पूर्व प्रत्याशी पत्नी करुणा, अशोक चांडक और शिव से जिलाध्यक्ष फतेह खान चुनाव लड़ रहे हैं। तो यूँ कहें कि अगर जो है सट्टा बाजार का आंकलन की अगर बात करें या एग्जिट बोर्ड के आंकलन की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर अगर 80 से 90 सीट जो है दोनों ही पार्टियों को अगर मिलती है तो निश्चित तौर पर बागी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं और यही जो है दोनों ही प्रमुख पार्टियाँ समझ चुकी है। बागियों ने जिस तरह टाल ठोकी है इसमें कई विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, तो निश्चित तौर पर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी तो अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का आलाकमान आगे करेगा, वसुंधरा राज्य को आगे करेगा और सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं मिलकर इन बागियों को मनाने की कोशिश करेंगे, तभी सत्ता की चाबी मिल पाएगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।